हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लॉकडाउन में हम ढाबा और रेस्टोरेंट के खाने को बहुत मिस कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं घर पर ही बनाए ढाबे जैसा टेस्टी खाना। तो चलो आज हम बनाते हैं मटन कोफ्ता ग्रेवी। गोश्त को हमने अच्छे से धो लिया है और इसको बारीक पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसे मिक्सिंग जार में डाल के खीमा बना लेते हैं। खीमा हमें एकदम बारीक महीन नहीं बनाना है, इसे दरदरा सा पीसना है। खीमा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं एक बड़ी प्याज बारीक चॉप की हुई और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। अब इसमें डालते हैं हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, कोथमीर और पुदीना 1 मुट्ठी और आधा नींबू का रस। अब इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर इसे ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, इसके सारे फ्लेवर अच्छे से इन्हांस होंगे। अब हम अपने कोफ्ते तैयार करेंगे। साइज़ आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े आपके हिसाब से इसको रेडी कीजिए। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर कोफ्तों को सारे अरेंज कर लेंगे और इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें पानी भी छूटता है तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। जब तक हमारे कोफ्ते रेडी होते हैं तब तक के हम साइड बाय साइड अपने ग्रेवी की तैयारी भी कर लेते हैं। अब हमने दूसरे पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। इसमें हम डालते हैं 2 तेज़पत्ते, 2 लौंग, 2 इलायची, 6 से 7 काली मिरी, 2 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा शाहजीरा। इन सबको तेल गर्म होने पर डाल देंगे। इसके बाद में हम इसमें डालते हैं ऑनियन का पेस्ट। इसमें हम 1/2 कप ऑनियन लिए हैं फ्राई किया हुआ और 1/2 कप दही लिए हैं। इसको मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाकर तैयार किया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम डालते हैं 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें डालते हैं 1 कप टमाटर प्यूरे और इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको ढक कर 2 मिनट के लिए पकने रखेंगे ताकि ये टमाटर का कच्चापन चले जाए। तो चलो देखते हैं हमारे कोफ्तों का क्या हाल है। कोफ्ते तो 1/2 कुक हो चुके हैं। अब इसको टर्न करके 10 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे रख देते हैं ढक्कन लगाकर। अब टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। इसमें हम डालते हैं काजू का पेस्ट 1/2 कप। काजू का पेस्ट बनाने के लिए हमने 10-12 काजू लिए हैं और उसको ड्राई रोस्ट करके उसका पेस्ट तैयार किए हैं। अगर आपको काजू का पेस्ट ना डालना हो तो इसमें डाल सकते हैं 1/2 कप दही या फिर 1/2 कप फ्रेश क्रीम। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कुक करेंगे वरना काजू का पेस्ट नीचे चिपक सकता है। कोफ्ते अब रेडी हो चुके हैं, इसे ग्रेवी में ऐड कर लेंगे।
इसे हम तंदूरी रोटी के साथ में सर्व कर रहे हैं। आप चाहो तो इसे जीरा राइस या नान के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, उसकी आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय।